हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है प्लास्टिड। आज हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं प्लास्टिड। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लास्टिड। प्लास्टिड है क्या, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहे हैं वो चल रहे हैं कि सेल्स, कंप्लीट कंपोजिशन ऑफ सेल, ठीक है, ऑल द ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल्स, हम एक एक करके सारा डिस्कस कर लेंगे। तो बात करते हैं, आज हमारा जो टॉपिक था प्लास्टिड के ऊपर है, क्योंकि इससे पहले हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स क्लियर किए हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हम कर चुके हैं, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, सेल मेम्ब्रेन एट्सेट्रा, हम काफ़ी सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक था प्लास्टिड। तो ध्यान समझना, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, टॉपिक है, और काफ़ी आसान टॉपिक भी है। और ये दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्लांट और एनिमल सेल्स, क्योंकि प्लांट के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, एनिमल के अंदर ही प्रेजेंट नहीं होता। ओके, तो डिस्कस करते हैं प्लास्टिड है क्या। सबसे पहले ये भी याद रखना, दैट इज़ द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंडेड की बात करें, मेम्ब्रेन से कवर्ड तो है, लेकिन यहाँ पे याद रखना डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड प्लास्टिड है, क्योंकि यहाँ पे ये डबल मेम्ब्रेन होती है इनके पास। डबल मेम्ब्रेन, हमने इससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ी थी, उसमें भी हमारी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स थी। तो ये भी क्या है, ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स है, जो कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर है, एल्गीज के अंदर है, और कुछ हमारे पास यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रेजेंट मिलेगी आपको। क्लियर क्लियर, दैट इज़ द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स। बात करते हैं डिस्कवरीज की किसने की थी, अर्नेस्ट हैकल्स ने इसको डिस्कवर भी किया, और इसकी नेमिंग भी अर्नेस्ट हैकल ने की। लेकिन उसके बाद इसकी एक क्लियर डेफिनेशन जो दी गई थी, वो क्लियर डेफिनेशन ऑफ द प्लास्टिड वो दी गई थी किसके थ्रू, AFW सिम्फर के थ्रू, ठीक है, AFW सिम्फर के थ्रू क्लियर डेफिनेशन इसकी दी गई थी। तो इसने क्या कहा, दैट इज़ द साइट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग साइट ही बोलते हैं, या स्टोरेज साइट बोला जाता है इसको, ठीक है, जहाँ पे केमिकल कंपाउंड बनते भी हैं, और उसमें यूकैरियोटिक सेल्स ऑटोट्रॉपिक प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे क्या अपना फूड भी तैयार कर लेती है, ठीक है। तो प्लास्टिड एक ऐसी साइट है जो मैन्युफैक्चर भी करती है, और क्या करती है, स्टोरेज भी करती है, ठीक है, इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स जो बाद में जाके प्लांट ऑटोट्रॉपिक यूकैरियोट्स उनको क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं अपने फूड के तौर पर, ठीक है। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। तो इसमें तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स एंड डिस्कवरीज एंड नेम्ड गिवन बाय द अर्नेस्ट हैकल। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट प्लास्टिड्स, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था प्लास्टिड्स क्या थी, प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स थी, इनसाइड द प्लांट सेल एंड कुछ एल्गीज के अंदर होता है, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। साथ में दैट इज़ द स्टोरेज, फूड स्टोरेज की एक्टिविटीज़ में भी ये काम करेगा। साथ में दे हैव डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कलर ऑफ द सेल में हेल्प करते हैं, सेल को कलर देते हैं। उसी बेसिस पे हमने बात किया, जो प्लास्टिड्स के हैं काफ़ी काम वर्क हो गए इसके, फूड स्टोरेज का काम हो गया, कलर देने का काम भी हो गया, और साथ में उनको टेस्ट देने का काम भी हो, जो फूड बनेगा उसको टेस्ट उसका जो होगा वो डिपेंड करेगा प्लास्टिड के ऊपर। तो प्लास्टिड के बेसिस पे हमने बात किया, प्लास्टिड हमारे थ्री टाइप्स के हैं, फर्स्ट इज़ क्रोमोप्लास्टिड, सेकेंड इज़ क्लोरोप्लास्ट एंड थर्ड इज़ ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। जैसा कि हमने चार्ट फ्लो में सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, काफ़ी ध्यान से समझना, बट इंटरेस्टिंग है, जो भी आप प्लांट के बारे में पढ़ते हो ना, आज उसमें हर जो पार्ट है उसको कौन सा पिगमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्या फंक्शंस प्रोवाइड करता है, ये ध्यान से समझ लेना। तो क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, दैट इज़ अ थ्री सब डिविजन्स ऑफ प्लास्टिड्स, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट में भी तीन हमारे सब डिविजन्स आ जाते हैं, फर्स्ट इज़ एल्योप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट एंड प्रोटियोप्लास्ट। यहाँ पे प्रोटीन से मतलब है प्रोटियोप्लास्ट, ठीक है। तो ये हम तीनों, यही हम इसमें डिस्कस करेंगे तीनों वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट होता कहाँ पे, ठीक है, सबको पता है प्लास्टिड का अंदर होगा, क्योंकि प्लास्टिड का ही सब डिविजन है क्रोमोप्लास्ट। दे हैव स्टोरेज पिगमेंट, इनके अंदर स्टोरेज, फूड स्टोरेज पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कलर प्रोवाइड करना, फ्रूट को क्या कलर देगा, लीफ को कलर, वेजिटेबल्स को कलर प्रोवाइड करने का काम होगा। तो क्रोमोप्लास्ट ओनली कलर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, याद रखोगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स मेरे पास दिए हुए हैं यहाँ पे, कैरेट, कैरेट के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है कैरोटीन, कैरोटीन की वजह से जो कैरेट का कलर आता है वो किसकी वजह से आता है, कैरोटीन की वजह से प्रेजेंट, ठीक है, जो कैरेट के अंदर प्रेजेंट होगा। इसी तरह बात करें मैंगो, मैंगो के अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड जेंथोफिल,
जैंथोफिल की वजह से मैंगो का जो कलर नज़र आता है आपको येलो, वो जैंथोफिल की वजह से है। इसी तरह टमाटो के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट है लाइकोपीन प्रेजेंट होता है, और इसकी वजह से टमाटो के अंदर जो कलर आता है वो इसी की वजह से आता है। ओके, तो याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे। तो ये हमारे पास है कॉमोप्लास्ट के अंदर, तो कॉमोप्लास्ट के अंदर बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं, इसमें आगे यदि हम बात करें, आगे हमारा आ जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट थोड़ा सा वाइड है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डीपली हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में सबको पता है क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस का काम करता है, फूड फॉर्मेशन का जो पार्ट है प्लांट के अंदर जो पिगमेंट है वो क्लोरोप्लास्ट ही होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट अपने आप में डोल मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है डोल मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑर्गेनेल्स है। इसकी यदि शेप की बात करें तो सिलेंड्रिकल हो सकती है, डिस्कोइडल शेप हो सकती है इसकी, ठीक है। दैट इज़ द सिलेंड्रिकल शेप, दैट इज़ कम्प्लीट इज़ द सिलेंड्रिकल शेप, या डिस्कोइड शेप भी बोल सकते हैं हम। इसकी यदि डिवीज़न की बात करें तो ये कम्प्लीटली टू डिवीजन्स होते हैं इसके। तो डिवीज़न बात करें, एक होगा ग्रेना, एक होगा हमारा स्ट्रोमा, ठीक है, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। तो याद रखना स्ट्रोमा और ग्रेना में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। जो हम बात करें ग्रेना की, तो ग्रेना जो होते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये ज़्यादा ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। तो आपको मैं यहाँ पे बना के देख देता हूँ उनको, इस तरह के काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं वन बाय वन, एक से, ठीक है। इन सभी स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है ग्रेना, ओके क्लियर। और बात करें इसके स्ट्रोमा की, स्ट्रोमा इसके अंदर जो फ्लूड भरा हुआ है दैट इज़ द कम्प्लीट फ्लूड, फ्लूड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्लूड को हमने नाम दे दिया स्ट्रोमा, क्लियर। तो ग्रेना और स्ट्रोमा में ये डिफरेंस याद रखना एक बार, हाँ ठीक है। तो ग्रेना हमारे पास स्ट्रक लाइक स्ट्रक्चर, यदि ये सिंगल है ध्यान रखना, यदि ये हमारे पास एक सिंगल स्ट्रक है, स्ट्रक लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ कॉल्ड थैलेकोइड्स, क्लियर। यदि इसे सिंगल स्ट्रक्चर तो थैलेकोइड कहेंगे। यदि ये हमारे पास इस तरह काफ़ी सारे बंडल्स हैं, किसके थैलेकोइड्स के बंडल्स को बोला जाता है ग्रेना, और इसके अंदर फ्लूड जो फिल है उसको बोला जाता है स्ट्रोमा, ओके क्लियर। उसके बाद बात करते हैं जो थैलेकोइड्स होते हैं, थैलेकोइड्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैलेकोइड्स, थैलेकोइड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पिगमेंट्स है क्लोरोफिल, एंड दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्योंकि काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हो आप सभी क्लोरोफिल इज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट, तो ये क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थैलेकोइड्स के अंदर। तो ये तुमसे किस पूछा जाता है कि हमारे क्लोरोप्लास्टिक किस पार्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, तो याद रखना थैलेकोइड्स के अंदर होती है। एंड स्ट्रोमा पता है कलरलेस डेंस फ्लूड है, जो फ्लूड इसके अंदर भरा हुआ है दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। फंक्शन भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं, तो इसका काम क्या होता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मीन्स ये कह सकते हैं लाइट एनर्जी से फूड प्रिपरेशन, फूड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा क्लोरोप्लास्ट। एंड दे हेल्प टू प्रोवाइड कलर, स्टेम्स लीव्स को सभी को कलर प्रोवाइड करने का काम भी यही करेगा, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। लेकिन अभी क्लोरोप्लास्ट में हम और आगे डिस्कस करेंगे, काफ़ी सारे पॉइंट्स हमारे हैं, क्योंकि हम लेयर वाइज लेयर इसकी डिस्कस करेंगे, इनके डिफरेंट पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट हम इसमें भी डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते हैं, फर्स्टली हमारा डिस्कस कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि डोल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। दो आउटर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स दैट इज सेमी पोरस मेम्ब्रेन। सेमी पोरस का मतलब होता है इसमें कुछ कुछ छोटे पोर प्रेजेंट होंगे, इन पोर का काम क्या होता है, ध्यान रखना ये परमेबल होंगे स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ये क्या कहते हैं, एक्सेंस का काम करेंगे लाइक आयंस का, ठीक है। और इम्परमेबल होते हैं या ठीक है जिसको बोलते हैं नॉट परमेबल टू लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के लार्ज मॉलिक्यूल्स को ये पास आउट नहीं होने देते, क्लियर। तो इसका बेसिक फंक्शन है दैट इज परमेबल टू स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन एंड इम्परमेबल टू लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। आयंस का जो फ्लो होता है इसी मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, आउटर मेम्ब्रेन के थ्रू। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस बच गया जिसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। ये काफ़ी पतला होता है, काफ़ी कम जगह होती है इसमें, काफ़ी ठीक है स्मॉलेस्ट कह सकते हो इसका, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कह देते हैं। इसका डायमीटर भी हमारा कुछ होता है 10 to 20 nanometers के आसपास इसका डायमीटर होगा। और ये मेम्ब्रेन स्पेस कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के बीच में होता है, जैसे मैंने तो आपको बताया। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होगा। बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन की बात करें क्लोरोप्लास्ट में, तो इसके अंदर पता है सबको स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है, ठीक है।
और इसका काम होता है दे हेल्प टू रेगुलेट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आना या मेटल का बाहर जाना इसी के थ्रू होता है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, इनर मेम्ब्रेन के इसके थ्रू ही होता है। इसके कुछ बेसिक फंक्शंस भी होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपको ध्यान समझना। इनर मेम्ब्रेन के अंदर फैटी एसिड्स, ध्यान रखना, फैटी एसिड्स, लिपिड्स, कैरेटिनॉइड्स, ये सिंथेसाइज होते हैं, ये बनते हैं यहाँ पे, क्लियर। तो क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में बनते हैं, ध्यान रखना, इनर मेम्ब्रेन पार्ट के अंदर क्या बनते हैं, फैटी एसिड्स, लिपिड्स और कैरेटिनॉइड्स, ठीक है, ये सभी यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। ओके, क्लियर सभी को। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, इसमें आगे बात करते हैं इनके इनर पार्ट्स की। इनर पार्ट्स में मैंने बोला था ग्रेना, स्ट्रक्चर्स पीछे हमने दिखाया हुआ है सबको, स्ट्रक्चर्स एक बार देख लो, स्ट्रक्चर्स ये हमने ग्रेना के बारे में बताया था, ठीक है, स्टोरमा यहाँ पे बताया था, ठीक है, थैलेकोइड्स यहाँ पे बताया, क्योंकि आउटर और इनर मेम्ब्रेन हम भी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम स्टोरमा, ग्रेना और थैलेकोइड्स की, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रेना। ग्रेना क्या था, ग्रेना मैंने बोला था कि जो हमारे पास ग्रेना है ये थैलेकोइड्स के, थैलेकोइड हमारा क्या था, सैकलाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, स्टॉकलाइक स्ट्रक्चर्स थे, उनका स्टैक की काफ़ी ज़्यादा पेयरिंग हो जाती है ना, उसको हमने ग्रेना बोला था। इस तरह की जो पेयरिंग है, इस तरह को हमने इनको क्या नाम दे दिया, ग्रेना बोला था, ठीक है। तो ग्रेना क्या है, दैट इज़ द कम्प्लीट लेयर्स ऑफ कम्प्लीट या पैकेज या कम्प्लीट कह सकते हो ग्रुप ऑफ थैलेकोइड्स विच प्रेजेंट वन बाय वन, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्रेना में होता क्या है, ग्रेना इज द साइट फॉर द कन्वर्जन ऑफ लाइट इन केमिकल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था थैलेकोइड्स के अंदर क्या होता है, थैलेकोइड के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसका काम है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि ग्रेना के अंदर क्या होता है, ग्रेना के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि यहाँ पे लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है, ठीक है। यही चीज़ हमने देखी है, क्योंकि यहाँ पे थैलेकोइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इस थैलेकोइड मेम्ब्रेन को हमने बोला गया क्या, थैलेकोइड्स को क्या बोला, फ्लैट एंड सैक लाइक मेम्ब्रेन होती है, जिसको हमने थैलेकोइड बोला हुआ है, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर्स एंड फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड थैलेकोइड्स, ओके। उसके बाद बात करते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए कहाँ प्रेजेंट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जहाँ पे होगी वहाँ पे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, थैलेकोइड्स के अंदर। थैलेकोइड कहाँ पे प्रेजेंट है, ग्रेना के अंदर, ठीक, ग्रेना बना हुआ है थैलेकोइड से, ये कह सकते हो आपको, ठीक है। तो क्लोरोफिल का काम क्या है, दैट इज़ ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, ग्रीन पिगमेंट है। यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्बिंग पिगमेंट कहते हैं, और जो ये काम का क्या करेगा, दे हेल्प कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है, और यही हमारे पास क्या करता है, फूड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बात करते हैं इसमें स्ट्रोमा की, स्ट्रोमा की बात करें तो स्ट्रोमा मैंने बोला था डेंस फ्लूड लाइक स्ट्रक्चर्स बोला था इसको, ठीक है। क्लोरोफिल के अंदर डेंस फ्लूड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, दैट इज डेंस फ्लूड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूड है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन हमने डिस्कस किया था, इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या होता था वो भी हमने डिस्कस किया था, ध्यान रखना। फैट्स की फॉर्मेशन वहाँ पे होती थी, कैरेटिनॉइड की, लिपिड्स की फॉर्मेशन वहाँ पे होती है, सिंथेसिस वहाँ पे होती है, याद रखना, क्लियर। तो स्ट्रोमा क्या है, ये फ्लूड प्रेजेंट इनसाइड द, किसके अंदर प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूड प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, ठीक है। एंड बट आउटसाइड द थैलेकोइड मेम्ब्रेन, थैलेकोइड मेम्ब्रेन से बाहर होगा और इनर मेम्ब्रेन के अंदर होगा ये फ्लूड जो प्रेजेंट होगा। और ये वो साइट होती है जहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का किस में कन्वर्ट होती है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, शुगर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है स्ट्रोमा के अंदर, क्लियर। तो स्ट्रोमा वो जगह होती है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का को कार्बोहाइड्रेट के अंदर या शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसमें बेसिक और चीज़ें भी याद रखना, यहाँ पे डीएनए और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स होते हैं, थैलेकोइड सिस्टम प्रेजेंट होता है, स्टार ग्रैन्यूल प्रेजेंट होते हैं, मैनी एंजाइम्स यहाँ पे फ्लोट करते रहते हैं इसी के अंदर। तो इसी के अंदर मोस्टली हमारे सारे जो कंपोनेंट्स हैं इसके क्लोरोप्लास्ट के या कह सकते हो प्लास्टिड के, वो इसी फ्लूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। याद रखना, डीएनए होगा, राइबोसोम्स होंगे, थैलेकोइड्स होगा, सिस्टम होगा, स्टार्स ग्रैन्यूल्स होंगे, काफ़ी सारे एंजाइम्स यहीं पे प्रेजेंट होंगे, किसके अंदर, स्ट्रोमा के अंदर। तो काफ़ी बार क्वेश्चन इसमें कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाता है कि कह देते हैं कि भाई हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पे हो रही है, किस पार्ट्स में हो रही है, ठीक है, ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इसमें याद रखना, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगी ना वो कहाँ पे होगी, थैलेकोइड्स के अंदर होगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे आ जाता है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था, ल्यूकोप्लास्ट क्या है, कलरलेस प्लास्टिड है,
आपको प्लास्टिक का ही ये पार्ट है, तीसरा लास्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं, ये कलरलेस होगा, लेकिन ये फूड स्टोरेज पार्ट होता है जो फूड को स्टोरेज करने का काम करेगा, ठीक है। तो इसमें हमने स्टोरेज के बेसिस पे, हमने इसके स्टोरेज फंक्शंस के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि पोटैटो ट्यूबर्स के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च होता है, मेज ग्रेन के अंदर जो फूड स्टोरेज होता है वो प्रोटीन होता है, और कस्टर्ड सीड के अंदर जो फूड स्टोरेज होता है वो ऑयल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फूड स्टोरेज है वो तीन टाइप का फूड स्टोरेज हो रहा है, याद रखना, स्टार्च, प्रोटीन और ऑयल। और इसी तीन फॉर्म ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड के बेसिस पे हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट को फर्दर डिवाइड किया गया है थ्री पार्ट्स में, जो हम आगे देख लेते हैं। इसमें फर्दर थ्री पार्ट्स में इनको डिवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने यही शो किया हुआ है, ल्यूकोप्लास्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री प्लास्ट ऑफ प्लास्टिस, अमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट और एल्यूप्लास्ट। एल्यूप्लास्ट, ठीक है, एक एल्यूरोप्लास्ट होता है, प्रोटीनोप्लास्ट को एल्यूरोप्लास्ट बोलते हैं, एल्यूरोप्लास्ट, याद रखना, थोड़ी यहाँ पे राइटिंग नहीं हो पाती ना, थोड़ा देख लेना, बोल के बता रहा हूँ, एल्यूरोप्लास्ट भी बोल देते हैं प्रोटीनोप्लास्ट को, ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट के नाम से भी आ जाता है, ध्यान रखना, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कर लेते हैं बच्चे, एल्यूरोप्लास्ट, ये इसमें है एल्यूप्लास्ट, ठीक है, इसमें थोड़ी स्पेलिंग का मिस्टेक है और कुछ नहीं होता, स्पेलिंग का डिफरेंस है, ये कह सकते हो आप। चलो पहले बात करते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं माइलोप्लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी लॉजिक है कि प्लास्टिड का ही एक पार्ट कह सकते हो, या कह सकते हो हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट का पार्ट है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। बायोलॉजिकल पाथवे इसमें काफ़ी सारे होते हैं, बायोलॉजिकल पाथवे काफ़ी सारे का मतलब यहाँ पे हुआ कि ये बेसिक फंक्शन करता है, क्योंकि इस माइलोप्लास्ट का काम क्या होता है, फूड स्टोरेज, कौन सा फूड यहाँ पे स्टोर होगा, कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज होगा, ठीक है। ये सेम चीज़ हमारे स्पेसिफिक टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट है, ये कलरलेस होगा, ये पॉइंट याद रखना, कलरलेस है, नॉन पिगमेंटेड प्लास्टिड्स है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी कलर नहीं होता और कोई भी पिगमेंट नहीं होता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना भाई, ठीक है। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, ये आपको रूट्स के अंदर मिल सकता है, स्टोरेज टिश्यूज के अंदर मिल सकता है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टोरेज एंड सिंथेसिस स्टार्च बोलते हैं, क्योंकि ये क्या काम करता है, ये स्टार्च को स्टोरेज करता है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट को स्टोरेज करने का काम यही करेगा, ठीक है। स्टार्च सिंथेसिस एंड लीव इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम साइटोसोल्स, इसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वो सीधा साइटोसोल में जाएगी, जिस मैकेनिज्म के थ्रू ये फर्दर क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ओवरऑल हम इसमें जो थोड़ा डीपली जो पढ़ लेते हैं, इसमें जो पॉइंट्स हमारे क्लियर करने हैं वो ये डबल मेम्ब्रेन है, कलरलेस प्लास्टिड्स है, ठीक है, नॉन पिगमेंटेड हमारे पास प्लास्टिड हैं, इनकी इसका काम क्या है, दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ स्टार्च, स्टार्च की सिंथेसिस में हेल्प करेगा, ओके। चलो आगे चलते हैं, एल्योप्लास्ट, एल्योप्लास्ट की बात मैंने बोली थी, एल्योप्लास्ट का काम क्या होता है, ये लिपिड स्टोरेज का काम करता है, ठीक है, प्लांट के अंदर जो लिपिड स्टोरेज, जो स्पेशलाइज पिगमेंट्स है या कह सकते हो प्लास्टिड्स है, वो हमारा एल्योप्लास्ट है, इसको बोलते हैं ऑयल डिपॉजिट हाउस बोल देते हैं, ऑयल डिपॉजिट बॉडी भी कह देते हैं, ये राउंडेड ही होते हैं, प्लास्टोग्लोब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनको फैट ड्रॉपलेट भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि फैट ड्रॉपलेट काफ़ी ज़्यादा असेंशियल होते हैं फॉर ऑल द बेसिक मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज़, ठीक है, एंड बॉडी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है प्लांट्स की। तो एल्योप्लास्ट का काम क्या है, सिंपल ध्यान रखना, दैट इज लिपिड या फैट स्टोरेज बॉडीज, ठीक है। ब्लास्ट हमारा बच जाता है फाइनली प्रोटीनोप्लास्ट, इसको मैंने बोला था एल्यूरोप्लास्ट भी बोल देते हैं, एल्यूरोप्लास्ट याद रखना, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीनोप्लास्ट को ही बोला जाता है। तो ये भी प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, सिंपल सा है, प्लांट के अंदर ही ये मिलेगी तुम्हें, और इसको ये एक तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड कैटेगरीज है ऑर्गेनिज्म के, प्लास्टिड में सबसे ज़्यादा जो कैटेगरीज है ब्रॉड कैटेगरीज में डाली गई है, इसके अंदर भी कोई भी पिगमेंट नहीं होता, ठीक है, और ज़्यादा स्पेशलाइज इसलिए कह दिया क्योंकि ये स्पेशल प्रोटेक्ट स्पेशल कंपोनेंट की फॉर्मेशन करती है, जैसे कि यहाँ पे क्रिस्टलाइन बॉडीज प्रोटीन यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो प्रोटीनोप्लास्ट नाम से क्लियर हो रहा, प्रोटीन स्टोरेज जो पिगमेंट है, प्रोटीन स्टोरेज जो प्लास्टिड है, वो हमारा प्रोटीनोप्लास्ट है। यहाँ पे काफ़ी सारे एंजाइम्स, ठीक है, यहाँ पे एंजाइम्स की काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ यहाँ परफॉर्म होती है। प्रोटीन मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, सीड्स के अंदर, ब्राज़ील नट के अंदर, पीनट के अंदर, पल्सेस के अंदर, इन सभी के अंदर हमारे पास यही
प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, जिसको हम प्रोटीन और प्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जो ऑल प्लास्टिड है कंटेन हाई कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन और प्लास्ट आर आइडेंटिफाइड इन 1960 एंड 1970 हैव लार्ज प्रोटीन इंक्लूजन्स दैट विजिबल बहुत लाइट एंड माइक्रो कंपाउंड माइक्रोस्कोप करें, लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही पहली बार देखा जाती है। चलो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखना। बेसिक पॉइंट्स हमारा यही है होते हैं कि प्रोटीन प्लास्ट हमारे पास क्या है, इसके अंदर एक तो पिगमेंट्स नहीं होता, ठीक है, स्पेशलाइज सेल है ल्यूकोप्लास्ट की, और इसका काम क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन स्टोरेज बॉडीज होते हैं, ये प्रोटीन को स्टोरेज करने का पार्ट है प्लास्टिड है, और यहाँ पे काफ़ी सारे एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ यहाँ पे परफॉर्म होती है। ओके, एंड फाइनली दैट इज़ अ कंप्लीट स्ट्रक्चर्स ऑफ कंप्लीट टॉपिक्स ऑफ प्लास्टिड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल्स, और जो भी टॉपिक्स हैं आप वन बाय वन करके इनको देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं हमारा जो चैप्टर है स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल, सेल्स ऑर्गेनिक्स वाला सेल एंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिटी ऑफ सेल कह सकते हो इसको, तो इस चैप्टर में जितने भी ऑर्गेनिक्स हैं वन बाय वन हमने काफ़ी डीपली इसमें स्टडी किया, काफ़ी डीपली स्टडी मटेरियल हमने इस कलेक्ट किया है, और उसके बेसिस पे आपको नॉलेज दी है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये नॉलेज बेस्ट लगेगी, क्लियर, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।